नॉलेज में। सो सुन लिया, सो स्टार्ट नाउ। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कल के होने वाले फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के बारे में बात करने वाले। तो दोस्तों उसमें कौन कौन से मैचेस हो सकते हैं, क्या कुछ रूमर्स है, क्या कुछ अफवाह, इस वीडियो में पूरा कवर करने वाले। तो दोस्तों बिना देर गड़े वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि गाइस रेसलिंग से रिलेटेड ब्रेकिंग न्यूज में मेरे चैनल पर डालते रहता हूँ। चलिए दोस्तों डब्ल्यूडब्ल्यूई की शपथ लेके स्टार्ट कर लेते हैं आज का हमारा अगड़ा वीडियो और सीधा मुद्दे के बात पे आते। तो दोस्तों जैसे कि आपको मालूम ही होगा, मतलब कि पिछले हफ्ते के फ्राइडे ने स्मैकडाउन में सिजारो, शेमस, रिकोशे, जिंदर महल, फैटल फोर मैच गया था, वो भी गया सर्वाइवल सीरीज के मैच के बारे में। तो दोस्तों इस मैच में जैसे ही सिजारो जीतने के लिए आ रहे थे तो दोस्तों रिज हॉलेट ने इंटरप्ट करके सिजारो को जीतने नहीं दिया और गाइस इस मैच को शेमस जीत लेते। और दोस्तों बैक स्टेज इंटरव्यू में कहते कि शेमस मेरा बड़ा आदर्श है, इसलिए मैं शेमस की वजह से WWE में आया हूं। और दोस्तों वही द्वारा बैकस्टेज सिजारो इंटरव्यू देते और सिजारो कहते हैं कि मैं सेथ रॉलिंस को रेसलमेनिया के हराने के बाद काफी मोटिवेटेड हुआ था और गाइस मैंने रोमन रेंज जैसे बड़े सुपरस्टार के साथ मैच की थी, तभी से मेरे अंदर का जानवर जाग उठ रहा था और गाइस मुझे लगता था कि मैं मेन इवेंट कर सकता हूं। जब से मुझको रिज हॉलिड ने मुझ पर अटैक किया है तब से मेरा सपना चूर चूर हो चुका है। और दोस्तों इनका मैच WWE ने फिक्स किया है कल के होने वाले फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के लिए। दोस्तों आपको क्या लगता है इस मैच में कौन जीत सकता है, मुझे जरूर कमेंट करके बताएं। और जैसे कि आपको मालूम ही होगा दोस्तों पिछले हफ्ते के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में गाइस मैट कप मॉस वर्सेस जेफ हार्डी एक मैच गई थी और गाइस इस मैच में जेफ हार्डी हमको जीतते हुए दिखे। और गाइस जैसे ही जेफ हार्डी की जीत हुई और ठीक उसके तुरंत बाद बैरन कॉर्बिन ने जेफ हार्डी के ऊपर अटैक करना चाहा, पर गाइस हमारे ड्रू मैकइंटायर भाई साहब ने गाइस उनको एक क्लेमोर चढ़ा दिया और गाइस WWE ने उनका मैच फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के लिए एडवर्टाइज किया है। गाइस मैट कप मॉस और गाइस बैरन कॉर्बिन वर्सेस गाइस जेफ हार्डी और हमारे गाइस स्कॉटिश वॉरियर ड्रू मैकइंटायर। मुझे तो लगता है गाइस इस मैच में हमारे स्कॉटिश वॉरियर ड्रू मैकइंटायर और गाइस हमारे कैरिस्मेटिक एनिग्मा जीतते हुए हमें दिखाई देंगे। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है इस मैच में कौन जीतेगा, मुझे जरूर कमेंट करके बताओ। और जैसे कि आपको मालूम होगा पिछले हफ्ते के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में गाइस शिंस्के की टीम ने एंजल गांजा और हम्बर्टो कोरियो की टीम को हरा दिया था और गाइस इसी सिलसिले में गाइस WWE ने ये कंफर्म नहीं किया कि इनकी मैच हो सकती है फिर नहीं, पर गाइस मुझे तो लगता है इनकी मैच जरूर होंगी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है इसके बारे में, मुझे जरूर कमेंट करके बताएं। तो दोस्तों इस वाले फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में हमारे स्पेशली जे और जिमी के गाइस काफी छक्के छूटने वाले, कि गाइस हमारे ट्राइबल चीफ ने गाइस सारे मैच जीते और गाइस हम उनके फालतू चट्टे पट्टे गाइस उस हमेशा की तरह मैच हारते हुए दिखे। और गाइस इसी के सिलसिले में रोमन रेंस उनको काफी चिल्लाने वाले, मुझे तो लगता है गाइस रोमन रेंस उनको मार भी सकते हैं। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है इसके बारे में, मुझे जरूर कमेंट करके बताएं। और दोस्तों कि आपको मालूम ही होगा गाइस सेमी रूड ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे लिखा था कि रोमन को मैं इस वाले फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में गाइस यूनिवर्सल चैंपियनशिप के ऊपर चैलेंज करने वाला हूं। तो दोस्तों मुझे लगता है इसके बाद तुरंत हमारे बिस्टी नकार नेट रिटर्न आ सकते हैं, क्योंकि गाइस ब्रॉक लेसनर का अनिश्चितकाल का फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन का गाइस सस्पेंशन खत्म हो गया है और गाइस ब्रॉक लेसनर ठीक रोमन रेंस को चैलेंज भी कर सकते हैं। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है इस पूरे टॉपिक के बारे में, मुझे जरूर कमेंट करके बताओ। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूं जल्दी, लेकिन तब तक के लिए गुड बाय।